हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। अब लास्ट ILGL का पेपर अपलोड कर रहा हूँ मैं, आपका CS एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2018 का। इससे पहले मैं कॉस्टिंग के सॉल्यूशन और टैक्स के सॉल्यूशन अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर आपको वो देखने हैं तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में और मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं। अब मैं ILGL के पेपर डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस अपलोड करने का। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा यार। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास जो सेट है ना वो सी है। मैं आपको पहला क्वेश्चन मैच करवा रहा हूँ और आंसर आपको शॉर्ट में फटाफट बता रहा हूँ। इन केस यू वांट टू डिस्कस एनी आंसर ना, कि भाई पर्टिकुलरली मेरे को लॉजिक समझ नहीं आया या मुझे डिस्कस करना है या क्या पता मेरे से गलती होगी भाई आंसर बताने में, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और हम डिस्कस करेंगे फिर कमेंट बॉक्स पे उस पर। तो मुझे आप जरूर इन्फॉर्म करें अगर आपको लगता है कोई आंसर रॉन्ग हो गया या आपको उसका जस्टिफिकेशन चाहिए, आपको समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। तो मेरा मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप अपने पहले क्वेश्चन को मेरे पहले क्वेश्चन के साथ मैच कर लीजिएगा, देन आप अकॉर्डिंगली उसको आगे सॉल्व करते रहिए। सेट सी है, पहला क्वेश्चन है ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 आर टू बी सबमिटेड विद इन। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, तो आप अपने उसमें ये वाला क्वेश्चन ढूंढिए। इसका आंसर है सी, 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द एक्ट इज एप्लीकेबल इन 5 copies। फर्स्ट का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 2 है एज पर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट वाला, इसका आंसर है D30। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, थर्ड का आंसर है आपका B, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाला। क्वेश्चन नंबर 4th में कॉन्ट्रैक्ट लेबर से आया है, फोर्थ का आंसर है आपका D, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 नो कॉर्ट शॉल टेक कॉग्नाइज ऑफ एनी ऑफेंस अंडर कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाला, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सेक्शन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है डी, जो कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से आया है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है चाइल्ड लेबर से आया है, 7 का जो आंसर है आपका डी है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर वाले एक्ट से आया है, 8th का आंसर है बी, खादी ग्राम उद्योग वर्सेज। नंबर 9 जो है आपका अमॉन्ग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इसका आंसर है सी, वर्क मैन ऑफ डिस्प्यूट टी स्टेट वर्सेज डेमोक्रेसी टी वाला। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका आंसर भी सी है, चैप्टर V6। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका डी है, जिसमें गो स्लो की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका उसका आंसर ए है, जिसमें इम्प्रिसमेंट अप टू 6 months और फाइन दिया गया है 50,000 रुपये का। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है इसका आंसर है आपका बी, सेकेंड शेड्यूल की बात की गई है लेबर कोर्ट की बात। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका डी है, जिसमें कि कवर किए गए हैं वर्कमैन एम्प्लॉयर, वर्कमैन वर्कमैन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर परमानेंट। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका आंसर है आपका ए, क्योंकि ये जो ऊपर है करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका डी है, जिसमें कि ऑल ऑफ द अबव को कवर किया गया है। 17 का आंसर ए है, जिसमें कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका डी है, इन एनी ऑफ द सिचुएशन वो लॉकआउट नहीं होता है। 19 का आंसर भी डी है, एनी ऑफ द अबव सिचुएशन। 20 जो है उसका आंसर भी डी है, सेक्शन 2AAA, और जो है उसका आंसर भी डी है, 9 पर्सन आर एम्प्लॉयड और वर एम्प्लॉयड, ठीक है। 22 का आंसर सी है, 25% की ये बात करता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जो है वो है बी, हार्स और वर्क ओवर टाइम लीव एंड हॉलीडे। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ए है, कि लेबर ऑडिट इज अ प्रोसेस ऑफ फैक्ट फाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है सी, लेबर कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर है वो बी है, जिसमें 10 ईयर्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर भी बी है, ये इंट्रावायरस होता है कॉन्स्टिट्यूशन के। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर भी बी है, जिसमें प्रोसेस की बात की गई है। 29 का आंसर ए है, ऑक्यूपायर की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर डी है, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर को कवर किया गया है। 31 का आंसर सी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात की गई है। और 32 जो है आपका उसका आंसर है आपका बी, जिसमें कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आपका डी है, 3 electronic data process units are इंस्टॉल्ड। 34 में जो बोला गया चित्रा फैब्रिक्स लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, 34 का आंसर डी, ऑक्यूपायर। और 35 में इंस्पेक्टर कौन होता है, इंस्पेक्टर होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो 35 का जो आंसर है वो भी आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है बी, जिसमें 4 more than 4.5 hours इन अ डे की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आपका ए है, 9 पहले में आएगा और दूसरे में 48 hours इन अ वीक होता है, ठीक है। 38 का आंसर है डी, जिसमें कि ऑल ऑफ द अबव की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर सी है, 6 months and ₹500 है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है आपका डी, एनी ट्रेवलिंग अलाउंसेस। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आपका है बी, द म्यूनिसिपल एडमिन।
क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है जिसमें आइदर कमिटी मेथड और नोटिफिकेशन मेथड होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है आपका ए सेवेंथ डे ऑफ द मंथ। 44 जो क्वेश्चन है आपका उसका आंसर है आपका सी 90 डेज होता है फ्रॉम द डेट ऑन विच इट वॉज इम्पोज्ड। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आपका डी है जिसमें इंडिपेंडेंट पर्सन नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की गई है। 46 जो क्वेश्चन है आपका द टर्म वेज जो है उसमें इंक्लूड होता है रेमुनरेशन पेबल, यानी कि आंसर है 46 का सी। 47 का जो आंसर है वो है इक्वल रेमुनरेशन एक्ट में ये बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर सी है इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन रजिस्टर, ऐसा नहीं होता तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 48 का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर डी है 39 आर्टिकल की बात की गई है यहाँ पे इक्वल में। और क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर ये है 15,000 पर मंथ। क्वेश्चन नंबर 51 जो है ना आपका द एज ऑफ डिपेंडेंट वाला है ये, इसमें जो आंसर है वो डी है 25 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 52 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39(5) वाला होगा जिसका आंसर 12%। क्वेश्चन नंबर 53 द पावर टू डिसाइड वाला है ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बी है एम्प्लॉय इंश्योरेंस को आउट। 54 का आंसर है डी 20 और मोर पर्सन। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है ए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है 55। 56 का आंसर है आपका सी जिसमें कि 12% होता है। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर भी सी है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है ए हुकुमचंद जूट मिल में इसकी बात की गई थी। 59 का आंसर है डी एम्प्लॉय मीन एनी पर्सन इंक्लूडिंग अप्रेंटिस। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर सी है 8.33% की जो कंट्रीब्यूशन है वो होता है मिनिमम में ना बोनस में। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है ए 30, लेस देन 30 नहीं होना चाहिए तो 30 है बेसिकली इसमें 61 में। 62 का आंसर है बी इम्प्रिजमेंट 6 महीने की हो सकती है, फाइन 1,000 रुपये तक का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 64 दोनों का आंसर ही ए है। 63 में ए कंट्रोलिंग अथॉरिटी है और 64 में 10 और मोर की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर सी है जिसमें बोथ ए और बी को कवर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है ए वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। 67 का जो आंसर है वो आपका बी है जिसमें 3 डेज की बात की गई है। 68 का आंसर है आपका डी जिसमें कि ऑल ऑफ द अबव को कवर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है सी सेक्शन 21D में ये कही गई थी बात। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर डी आर्टिकल 43। क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर है अब ये पार्ट बी मतलब मेरा शुरू हो गया है, मतलब पेपर का जो आपका पार्ट बी में जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो शुरू हो गया है, तो आप इसका भी पहला क्वेश्चन मिला लीजिएगा। मेरा पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम इंजूरिया शाइन डिमांड मींस, तो 71 का जो आंसर है वो ए है इंजरी विदाउट डैमेजेस। क्वेश्चन नंबर 72 जो है लिमिटेशन एक्ट से पूछा गया उसका आंसर भी है व्हेन इंप्रिजनमेंट बिगिंस, वहां से रन होता है ये। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर भी है 60 डेज होते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर सी है हाई कोर्ट की बात की गई है सेक्शन 5 में। 75 जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ए व्हेन द डैमेज इज ड्यू टू विस मेजर। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है आपका बी सेक्शन 11 की बात की गई है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 77 जो है द डॉक्ट्रिन ऑफ इस्टॉपल मींस डी वैग्यू स्टेटमेंट का आंसर है 77 का डी। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर भी डी है जिसमें 90 डेज की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर है ए जिसमें 30 डेज की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर सी है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर सी है जिसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तीनों ही कवर है। 82 का आंसर है ए रेस जुडिकाटा। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर है सी ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्पाइसेस। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 84 जो है आपका उसका आंसर भी सी है एन असेंबली ऑफ 5 or more persons विद अ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ डूइंग अ क्राइम। 85 का आंसर है बी आरएस जिसमें है। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर है डी कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्यूचर प्रॉपर्टी। 87 का भी आंसर डी है सेक्शन नंबर 93 में बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर आपका बी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयरमैन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर सी है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर बी है और 91 का भी बी है। 90 में बात की गई है फाइन नोटिंग की और 91 में बात की गई है फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन की। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर सी है स्पीकर ऑफ द लोक सभा। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर ए है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 94 का आंसर है सी बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 95 का है ए बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 96 जो है आपका उसमें आंसर जो रहेगा उसका आंसर है ए 32415, तो 96 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर है डी 13 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 98 का जो आंसर है वो आपका है ए प्रॉपर्टी।
क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर है आपका सी, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 100 का जो आंसर है आपका वो है ए, द प्रिम्बल एनुमरेट्स द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव दैट द एजुकेशन इंटेंड टू अचीव। उसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है जो प्रिम्बल होता है ना किसी भी एक्ट का, तो करेक्ट पूछा था, तो 100 का आंसर ए है। इस तरह से मैंने आईएलजीएल भी खत्म कर लिया है और मैं सीएस एग्जीक्यूटिव के सारे पेपर खत्म कर चुका हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप के। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है मुझसे कमेंट बॉक्स पे जुड़े रहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे ही अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। दोस्तों ऑल द बेस्ट, बाय बाय।